नमस्कार दोस्तों, हरियम स्टडी में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए 15 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, एक अन्य छात्र की आयु भी जोड़ दिया जाए तो औसत में एक वर्ष की कमी हो जाती है, अन्य छात्र की आयु बताएं। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे समझाने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं, देखिए तीन छात्र हैं, पहला छात्र की आयु ए वर्ष, दूसरा छात्र की आयु बी वर्ष और तीसरा छात्र की आयु सी वर्ष। इसका औसत कैसे निकालते हैं, यानी तीनों आयु को जोड़ देंगे और इसे तीन से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। मान लेते हैं औसत दिया है 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष औसत दिया हुआ है तो कुल आयु कितना निकल जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीन छात्रों की कुल आयु कितना हो जाएगा। देखिए इस तरह गुना होता है तिरछी, तो 10 दिया 30 वर्ष, ठीक है, तीन छात्रों की कुल आयु 30 वर्ष, यानी ये गुना हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 15 छात्रों की कुल आयु, कुल आयु या उम्र एक ही होता है, कुल आयु कितना हो जाएगा। देखिए जैसे इसको तीन से गुना कर दिए, 3 गुना 10, 3 छात्र और 10 औसत दिया हुआ तो गुना कर दिए, उसी तरह इसको गुना करेंगे, 15 छात्र यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ तो 15 गुना 18 इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 15 को 18 से गुना करेंगे, देखिए 15 अट्ठे 120 और 15 का 15 0 5 2 7 2 270, ठीक है, तो कुल आयु कितना आ गया 270 वर्ष, यानी 15 छात्रों की कुल आयु। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या करा, देखिए एक अन्य छात्र की आयु जोड़ दिया जाए। देखिए इसमें भी एक अन्य छात्र की आयु जोड़ देते हैं ए बी सी, और एक अन्य छात्र की आयु मान लेते हैं डी, ठीक है, तो इसमें अगर डी को जोड़ देंगे तो इसका औसत कैसे निकलेगा, तो 4 से भाग देना हो, क्योंकि देखिए कितना छात्र हो गया, 3 छात्र और एक अन्य छात्र, 1 2 3 4, तो 4 से भाग दें। तो देखिए इस क्वेश्चन के तरह ही बनाएंगे, देखिए एक अन्य छात्र की आयु जोड़ दी जाए तो एक वर्ष की कमी हो जाती है, तो यहाँ देखिए औसत में एक वर्ष की कमी, यहाँ 10 दिया हुआ था तो एक कमी अगर हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 वर्ष, ठीक है, तो ए बी सी प्लस डी, यानी 3 छात्र और अन्य छात्र, यानी 4 छात्रों की कुल आयु कितना हो जाएगा, 4 9 36, ये भी इस तरह गुना होगा, ठीक है, तो अन्य छात्र यानी डी, डी की आयु अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए 3 छात्र की आयु कितना निकला है 30 वर्ष, यहाँ लिख देंगे 30 प्लस डी और इसको माइनस कर देंगे, देखिए डी को इस पार ले जाएंगे, इसी 30 को इस पार लेंगे तो डी यहाँ रहेगा, ठीक है, 36 में 30 माइनस करेंगे कितना होगा 6, यानी अन्य छात्र की आयु 6 वर्ष निकल गया। ठीक है, तो इसी तरह इस क्वेश्चन को हल करेंगे, 15 छात्रों की कुल आयु 270 वर्ष, देखिए एक अन्य छात्र उसमें शामिल कर देंगे तो कितना 16 छात्र हो जाएगा, यानी 16 छात्रों की कुल आयु कितना हो जाएगा, देखिए 16 छात्र और औसत में का औसत वर्ष, देखिए औसत आयु दिया हुआ 18 वर्ष, उसमें एक कमी हो जाता है, देखिए एक वर्ष की कमी हो जाती है तो यहाँ हो जाएगा 17, इसको 17 से गुना करेंगे, देखिए 16 गुना 17 कितना होगा, देखिए 16 85 16 6 96 16 7 112, 16 का 16 2 6 1 7 1 2 272, यानी 16 छात्रों की कुल आयु कितना आ गया 272 वर्ष, ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अन्य छात्र की आयु बताएं, जैसे इसको हल किए इस क्वेश्चन को, इसमें इसको माइनस कर दिया, उसी तरह देखिए 16 छात्र की टोटल हो गया, 16 छात्र की कुल आयु 272 में 15 छात्र की आयु माइनस कर देंगे तो अन्य छात्र की आयु निकल जाएगा, यानी नए छात्र
नए छात्र की आयु यानी उम्र कितना हो जाएगा? देखिए 272, 16 छात्र की टोटल 272 है और 15 छात्र की कुल आयु 270 है, तो 270 इसमें माइनस कर देंगे, घटा देंगे वर्ष। तो देखिए 272 में 270 माइनस करेंगे 2 वर्ष, ठीक है, तो नए छात्र की आयु कितना आ गया? 2 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, उनमें 21 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो 14 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी? देखिए पैंतीस विद्यार्थियों की औसत आयु, 35 विद्यार्थियों की कुल आयु कितना हो जाएगा? कुल आयु देखिए 35 दिया हुआ और औसत कितना दिया हुआ? 16, इसको गुना कर देंगे तो कुल आयु निकल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हल किए, देखिए 3 छात्र और औसत 10 दिया, तो इसको गुना किए तो कुल आयु निकल गया, ठीक है। तो 35 विद्यार्थियों की, 35 विद्यार्थियों की कुल आयु यानी 35 गुना 16, 35 को 16 से गुना करेंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए 35 गुना 16, 35 को 16 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? देखिए 6 5 30 का 0 हासिल रहा 3, 6 3 18, 3 21 5, 3 0 5 और 1 6 3 2 5 560, 560 वर्ष, ठीक है। 35 विद्यार्थियों की कुल आयु निकल गया 560 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनमें 21 विद्यार्थियों का, यानी 21 विद्यार्थियों का देखिए क्या होगा, 21 विद्यार्थियों की कुल आयु, कुल आयु कैसे निकलेगा? देखिए इसको 21 से गुना कर देंगे, 21 गुना 14, देखिए 21 विद्यार्थी औसत आयु 14 वर्ष, तो कुल आयु निकालेंगे तो इसको गुना कर देंगे, तो देखिए 21 गुना 14, 21 चौक 84 और 1 2 1 2 4 8 1 9, 294 कितना आ गया? 294 वर्ष, ठीक है, 21 विद्यार्थियों का। अब देखिए कुल विद्यार्थी का, देखिए कुल उम्र कितना आ गया? 560, 21 का इतना आ गया, तो इतना में इसको अगर माइनस कर देंगे तो 14 विद्यार्थियों की आयु निकल जाएगा। तो देखिए 14 विद्यार्थियों की कुल आयु, कुल आयु देखिए 560 में माइनस करेंगे 294, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखिए 560, 294 माइनस करेंगे 15 में 9 घटाएंगे 6, 266 कितना आ गया? 266, 266 वर्ष। देखिए टोटल 35 छात्र की कुल आयु है 560 और 21 छात्र के इतना है, तो इसमें 21 छात्र का घटा दिए, 35 में 21, 21 को माइनस कर देंगे तो 14 छात्र की कुल आयु कितना आ गया? 266 वर्ष, ठीक है। अब देखिए इसका औसत आयु निकालना है, 14 क्वेश्चन क्या करा, देखिए 14 विद्यार्थियों को औसत आयु क्या होगी? 14 विद्यार्थियों की औसत आयु, तो इसको 14 से भाग दे देंगे, टोटल विद्यार्थी कितना है? 14, इसको 14 से भाग देंगे, देखिए 14 इसको भाग देंगे 266, तो 14 1 6 में 4 घटाएंगे 2 1, 12 बज रहा है,
यहाँ 6 उतारेंगे 26, 14, 14 को 9 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 126, कट गया 19 वर्ष। देखिए 19 वर्ष यानी 14 विद्यार्थियों को औसत आयु 19 वर्ष। ठीक है, वीडियो यहाँ अंत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट करके हमें बताएं यह वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।